गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शनिवार को विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति का घेराव किया और उनकी गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों ने छात्रों को उठाकर किसी तरह कुलपति की गाड़ी को वहां से जाने दिया। इसके बाद छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे। इस दौरान छात्रों और पुलिस में कई बार नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव 13 सितंबर को होना था, लेकिन 11 सितंबर को विश्वविद्यालय के दो छात्र गुटों में हुए विवाद के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने माहौल खराब होने का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। उसी समय से छात्र नेता लगातार चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। शनिवार को कुलपति प्रोफेसर बीके सिंह विश्वविद्यालय के खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह से वापस आ रहे थे। उसी दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र नेताओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और चुनाव तिथि घोषित करने की मांग करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाया, लेकिन वे कुलपति के गाड़ी के सामने आकर लेट गए, जिस पर पुलिस के काफी मशक्कत के बाद छात्र को वहां से उठाकर हटाया गया। उसके बाद भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता अनिल दुबे ने बताया, आए हुए हैं अपने माननीय कुलपति, जिसको हम अपना अभिभावक मानते हैं, जो लगातार हम लोगों को धोखा पे धोखा दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र में हमें हक प्राप्त है, उस तरीके से हम इनका विरोध करेंगे। काला झंडी दिखाए या जो मन करे वो करेंगे। जिस तरीके से हम अपना विरोध व्यक्त करते हैं, नहीं ऑफिस ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो मिलते नहीं है सर, उनके 3 घंटा बैठे थे ऑफिस टाइम में मिलते नहीं है, जहाँ वो जाते हैं वहीं जाना पड़ेगा सर। नहीं मिले सर, गलत बोलिए, अपनी बात करना विश्वास करें। 3 घंटा वहाँ बैठे थे कि नहीं? कई बार तो हम 10 बार तो हाँ पहली बार वहाँ पर घिरा हुआ आएंगे, मतलब नहीं उससे ही भी गए हम लोग नहीं वहाँ पे जिस दिन कोर्ट में दाखिल किए गलत उन्होंने ये कहा था हम लोग से, सर थे वहीं पे एसके दीक्षित सर थे, वो थे कि जब तक एडमिशन क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग 8 हफ्ते की काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे, तमाम जगहों पे एडमिशन बाकी है, जब तक एडमिशन क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग 8 हफ्ते की गिनती नहीं शुरू करेंगे। आसन सत्र वाला 8 दिनों का ये नियम है, सिफारिश है, सिफारिश जरूरी नहीं है कि आप उसको माने माने बात देना ही आप उसको माने के लिए। उसमें ये कहा गया है कि जब सत्र शुरू होता है उसके 6 से 8 हफ्ते के अंदर शुरू होना चाहिए। सर से है सर, जब लड़के की कसम खाक बताएं वहीं गेट में मैं पूछा तो दीक्षा भवन सर सत्र कब से शुरू है, सर ने बोला 1 तारीख से। बोला सर आपने कोर्ट में दाखिल है 15 तारीख से, क्या मजाक चल रहा है सर, हमसे कुछ और बोले कोर्ट में कुछ और बोले, यहाँ पे एसके दिखाता होगा ना वहाँ तो वकील नहीं लगा सर 3 हफ्ते का समय मांग के वकील इनकी ओर से, और आज तक इनका वकील बता नहीं पाया। मैं 3 घंटे पता लग गया मुझे किस ग्राउंड पे वोटिंग राइट चाहिए और ये 3 हफ्ते से ऊपर हो गया बता नहीं पाए, अच्छा वकील बता नहीं पाए सर। कोर्ट तो इनको कई बार बेइज्जत कर चुका है, क्या कहा कोर्ट? कोर्ट ने इनसे ये कहा कि आप क्यों नहीं, आप चुनाव करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमसे तो कह रहे करवाना चाहते हैं, वहाँ क्यों कह रहे नहीं करवाना? फिर कोर्ट पूछेंगे किस ग्राउंड पे नहीं? हाँ तो बता दिए 6 से 8 हफ्ते वाला ग्राउंड, अच्छा वो बीत चुका है। हाँ बीत चुका है, ये क्यों है यहाँ पे ये वादा करते हैं कि तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे अभिभावक हैं, तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, कुछ भी हो जाएगा हम चुनाव जरूर कराएंगे। अब 6 से 8 हफ्ते का नया नियम अगर ये रख रहे हैं, इतने अनुशासन नहीं है, लिंगदो का सिफारिश है, नियम नहीं सिफारिश है कि 15 अगस्त को भी था सर, हमसे बोले थे 1 जुलाई से सत्र शुरू है, सब लोगों ने बोला था 1 जुलाई से सत्र शुरू, अब कोर्ट में जाके कहते हैं कि 15 जुलाई। अरे तो हम मौखिक ही तो मानेंगे, तो आज के बाद से मौखिक मानना बंद कर दें। चप्पल से अपने अपने हाथ में चप्पल देंगे, किसी को मारेंगे, किसी को हिंसा नहीं, ऐसे कर सकते हैं, कर दी
ठीक है, तब देखेंगे हम ठीक है। चलो करिए, आप ये कहाँ लिखा है? चलो भाई तुम लोग हम जूता दिखाएंगे, तुम लोग अच्छा लगेगा। तो काला झंडा भी नहीं लिखा है सर, तो दिखा हम तो यहाँ बैठेंगे तब भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार पढ़ाई हुई थी मुख्यमंत्री का, तो हम कर नहीं रहे हैं। अरे तब तक तुम्हारे सबसे बड़े जो यहाँ के मेन अधिकारी है तो वही कर रहे हो। न्यायालय पे विश्वास रखो, न्यायालय पे तुम न्यायालय पे भी अविश्वास कर रहे हो। नहीं नहीं, न्यायालय पे तुम विश्वास इनके धोखाधड़ी पे हम कर रहे हैं। तुम उसमें इनको क्या कर ले, जो करना है न्यायालय के हाथ में। नहीं, हम इनके हाथ में चुनाव करवाएंगे, तो ठीक है, इनके हाथ नहीं है सर। ये अगर अभी जाके कह दें कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, अकेले वकील लगाता है वहाँ, जो लिखता है वकील वकील इनसे बात करके नहीं लिखता है क्या सर? वकील आपसे नहीं बात करता है? पूरे यूनिवर्सिटी का हक है सर, हम लोग गवार नहीं है यार। अपने से अपने से मन से जानता हूँ क्या नहीं। नहीं 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 अनिल दुबे। नागपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को पिछले 11 सितंबर को सूर्य सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से स्थगित कर दिया गया और बाद में कोर्ट में जाकर के हवाला दिया जाता है कि विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, और अगर विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, छात्र चुनाव ना आप करवाइए, पर अगर अराजकता का माहौल है तो इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में माननीय राज्यपाल आएंगे दीक्षांत समारोह में, अगर वहां अराजकता हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम चाहते हैं कि अगर इस अराजक माहौल में छात्र चुनाव नहीं हो पाता है तो इस अराजक माहौल में दीक्षांत समारोह भी नहीं होना चाहिए। इस अराजक माहौल में किसी भी छात्र संगठन का कोई भी कार्यक्रम
इस कैंपस के अंदर नहीं होना चाहिए, हमारी ये अपील है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कुलपति महोदय और ये लोग अगर इसको संज्ञान में लेकर इसमें कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे बड़े बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।